प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गरकाई। नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। मोदी ने सपा पर कसा तंज, कहा यूपी में खूब चली भ्रष्टाचार की साइकिल। अमित शाह ने दौरे के अंतिम दिन कश्मीरी पंडितों के प्रसिद्ध मंदिर की खीर भवानी दर्शन किए और पंडित समुदाय से जाना हाल। पीएम मोदी ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह को संन्यास लेने के बाद पत्र लिखकर दी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। पंजाब कांग्रेस अरूसा आलम मामले में बैकफुट पर, नवजोत सिद्धू बोले अब मूल मुद्दों पर लौटे पार्टी। त्वांग मठ प्रमुख ग्यांग पुंछ बोले अगले दलाई लामा के चय में चीन की कोई भूमिका नहीं। केंद्र सरकार का निजी टीवी चैनल के निर्देश, कोरोना वायरस के बचने के बारे में लोगों को जागरूक करें। तमिलनाडु के मछुआरों ने पनामा के पोत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रकाश झा के आश्रम 3 पर विवाद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सेट पर की तोड़फोड़। पूर्व विदेश सचिव बोले 1971 के युद्ध के उपमहाद्वीप में शक्ति संतुलन भारत की ओर झुका। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र, बोले झूठे केस में फंसाना चाहते हैं कुछ लोग। केरल के कलामंडलम में 90 साल के इतिहास में पहली बार कथकली के लड़कियों का हुआ प्रवेश। लालू के आते ही पटना में बड़ा विवाद, धक्का देने का आरोप लगा तेज प्रताप, बोले राजद ने नाता खत्म। सौ भारतीय व 222 अफगानी कर रहे काबुल से निकाले जाने का इंतजार, विभिन्न संगठनों ने सरकार से मांगी मदद। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बिगड़े बोल, अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर को बताया चोर चोर मौसेरे भाई। उपेक्षा से आहत तेज प्रताप ने अपने आवास के बाहर दिया धरना, बोले तेजस्वी को नहीं बनने देंगे सीएम, लालू रबड़ी ने मनाया। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर 9 मेडिकल कॉलेजों का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस की बड़ी घोषणा, किसी भी बीमारी का 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। कोरोना काल के 18 माह बाद नवंबर में फिर शुरू होगा एसजीपीजीआई का ट्रामा सेंटर, मिलेगी 24 घंटे इमरजेंसी सेवा। गोरखपुर को मिलेगी 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, सीएम योगी शीघ्र करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कानपुर में सड़क पर बेलगाम दौड़ी पुलिस जीप ने चाट का ठेला लौंडा, चालक सिपाही निलंबित।
ग्वालियर भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के बिगड़े पुल, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बताया भैंस। फतेहपुर में नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन, जन सहयोग का रहा योगदान। लखनऊ में नारी बंदी निकेतन से मनाया गया करवा चौथ, बंदियों ने पति की दीर्घायु के लिए रखा व्रत। 185 महिलाएं बंदी से की परंपरागत तरीके से पूजा। मथुरा में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अलर्ट, नगर क्षेत्राधिकारी ने निकाला फ्लैग मार्च, मार्च के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद। मथुरा में पैन कार्ड बनाने के नाम पर ठगी, रिक्शा चालक के साथ करोड़ों की ठगी, घर पहुंचा 3 करोड़ का टैक्स नोटिस। संबल में विश्व पोलियो दिवस कार्यक्रम का आयोजन, जन कल्याण समिति के द्वारा किया गया था आयोजन, पोलियो की दवाई को लेकर जागरूकता फैलाई गई। उन्नाव में पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा, ऑनर किलिंग के चलते हुई थी हत्या, प्रेमी प्रेमिका दोनों की हुई है हत्या। आजमगढ़ में बढ़ती महंगाई से परेशान जनता, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जनता है परेशान, लगातार चौथे दिन दामों में बढ़ोतरी। पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत का मामला, पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे राकेश टिकैत, मामले की न्यायिक जांच की उठाई मांग। आगरा में खाकी शर्मसार दरोगा व महिला पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत, बंद कमरे में पकड़ा गया प्रेमी जोड़ा। औरैया में डेंगू का कहर जारी, डेंगू का नया मरीज मिलने से हड़कंप। औरैया में सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप, आग बुझाने के दौरान झुलसा युवक। औरैया में इंटर कॉलेज पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सपा सरकार में बनाया गया था इंटर कॉलेज, प्रशासन की कार्रवाई से भू माफियाओं में दहशत। फतेहपुर में विकास कार्यों की खुली पोल, गालियों कन्ना बना शोपीस, खड़ंजा लगने के बाद ईंट गायब। जालौन में महिला ने मां शब्द का किया कलंकित, दिल दहलाने वाली घटना को दिया अंजाम, घर बात करवा कर बच्चे को मौत के घाट उतारा। प्रतापगढ़ में लेखपाल के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, लेखपाल पर धन उगाही का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह का 29 को लखनऊ का दौरा, करेंगे विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। पार्कों के सौंदर्यीकरण के ठेके में भ्रष्टाचार, 15% कम दाम पर लिया ठेका, कमीशन देने का भी दावा। बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गे पर एक और मुकदमा दर्ज, जमीन के फर्जी कागज देकर 16.35 लाख की ठगी। अभिषेक शुक्ला ने खुद को मारी गोली, रिलायंस कंपनी में काम करते थे अभिषेक, बीजेपी के सदस्य भी थे अभिषेक शुक्ला। लखनऊ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट, कोरोना से मृतक लोगों के परिवारों की मदद का मामला, आर्थिक सहायता देने का फैसला देरी से हुआ।
भदोही के कालीन पर पड़ी कोरोना की मार, तो किसानों को युवा उद्यमी ने किया आर्थिक समृद्धि का आधार। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मंजूर की जमानत, आरोपों से मुक्त करने की अर्जी खारिज। लखनऊ के दिवाली मेले में हंसाने आएंगे राजू श्रीवास्तव और सुनील पाल, लोकगीत संध्या में रहेंगी पद्मश्री मालनी अवस्थी। बसपा से निलंबित विधायक लालजी वर्मा और राम अचल राजभर ने समाजवादी पार्टी की ली सदस्यता। हरिद्वार में चलाया गया सदस्यता अभियान, मंत्री प्रदीप शेखावत अभियान में हुए शामिल। मसूरी में सातवें आसमान पर खिलाड़ियों के हौसले, महिला क्रिकेटरों ने लहराया परचम, महिला टीम का हुआ जोरदार स्वागत। सितारगंज में आतिशबाजी के गोदाम में पुलिस का छापा, छापेमारी के बाद पुलिस ने लिया एक्शन, पटाखे की गोदाम का किया गया सील। सितारगंज में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, स्कूलों के छात्रों ने लिया हिस्सा, दौड़ लगाते समय छात्र का टूटा पैर। अल्मोड़ा आपदा से हुए नुकसान का लिया गया जायजा, सीएम ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। पौड़ी गढ़वाल में हैंड होल्डिंग परीक्षण कार्यक्रम आयोजन, सरकारी योजनाओं की लोगों को दी गई जानकारी। नई टिहरी में अवैध शराब बेचने वाले फिर से सक्रिय, शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। कलियर में लोगों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन पकड़ा, विधायक हाजी फुरकान का जोरदार स्वागत। लालकुआ में देश की पहली एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन, 3 एकड़ क्षेत्र में लगे कई खास पेड़ पौधे, तुलसी के 20 से अधिक प्रजातियां मौजूद। रुड़की में कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक, अध्यक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक। विकासनगर में आपके कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, धान क्रय केंद्र में किसानों को परेशानी, बेमौसम हुई बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। विकासनगर में तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश, धान की फसलों को हुआ भारी नुकसान। भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री अजय बोले, आम जनमानस के निरंतर संपर्क में है प्रधानमंत्री। सीएम हरीश रावत सरकार पर हुए हमलावर, आपदा प्रबंधन में फेल होने का लगाया आरोप, दी गई चेतावनी। आईटीबीपी अकादमी ने मनाया बल का 60वां स्थापना दिवस, देश की आन बान और शान का लिया संकल्प। पांच से 11 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन देने के लिए अमेरिका तैयार, नवंबर की शुरुआत में टीका लगने की संभावना। इमरान खान को कट्टरपंथी इस्लामी समूह की धमकी, प्रमुख साद रिजवी की रिहाई, जारी रहेगा प्रदर्शन।
डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने जताई चिंता, बोले दुनिया जब चाहेगी तब खत्म होगी कोरोना महामारी। इमरान खान के शासन को लेकर पाक सेना में बड़ी बेचैनी, आईएसआई चीफ को लेकर भी छिड़ी रार। रूस में कोरोना संकट गहराया, सेंट पीटर्सबर्ग में 30 से अधिक लगेगा लॉकडाउन। जल में खलील जाद, बोले तालिबान से हुआ समझौता सही, अशरफ गनी के कदम से बिगड़ी योजना। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी इस्लाम छोड़कर स्वीकार करेंगी हिंदू धर्म, पारंपरिक समारोह का होगा आयोजन। संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में फिर से शामिल होगा ताइवान, चीन के तमाम प्रयासों के बाद भी अमेरिका सफल। सूखे से तरस कैलिफोर्निया में शक्तिशाली तूफान ने डराया, भारी बारिश की चेतावनी जारी। ब्रिटेन में कोविड के AY.4.2 वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन, तेजी से फैल रहा संक्रमण। JCCI के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, ज्ञापन सौंपा। कोलकाता मेट्रो ने नॉन एसी डिब्बो को कहा अलविदा, अब चलेगी केवल एसी रेल। दिल्ली NCR के बाजारों में लौटी रौनक, खुदरा क्षेत्र का किराया 11 से 17 फीसदी तक बढ़ा। संसद के शीतकालीन सत्र में 2 महत्वपूर्ण वित्त विधेयक पेश कर सकती है सरकार। टेक्सटाइल मशीनरी के क्षेत्र में आयात निर्भरता घटाएं, पीयूष गोयल ने दिया ये बयान। निवेशकों का भरोसा घटा, FPI ने अक्टूबर में अब तक भारतीय बाजारों से निकाले 3,825 करोड़ रुपए। शिबा इनू में 50% का तगड़ा उछाल, बनी 11वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी। पेटीएम IPO से सेबी की मंजूरी के बाद जमकर नाचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा, हर्ष गोयनका ने ट्वीट किया वीडियो। NPS के तहत अब मिलेगा गारंटी रिटर्न, PFRDA ने सलाहकारों की नियुक्ति के लिए किया RFP। फ्यूल की बढ़ती कीमतों से मिलेगी राहत, इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड से फ्री में मिलेगा 71 लीटर पेट्रोल डीजल। पाकिस्तान से हार के बाद सवाल पर भड़के विराट कोहली, बोले रोहित शर्मा को T20 इंटरनेशनल से बाहर कर दे। भारत की हार से दूनवासी निराश, अंतिम गेंद तक लगाए रहे जीत के आस। सुपर 12 में पहुंचने वाली चौथी टीम का हुआ फैसला, आयरलैंड करारी हार के साथ बाहर।
विराट कोहली पाकिस्तान से हार के बाद बोले, यह टूर्नामेंट की शुरुआत खतरे की घंटी बजाने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के सिर्फ 3 खिलाड़ियों से हार गया भारत, बाबर ने बदला इतिहास। पाकिस्तान की जीत पर भारत में फोड़े गए पटाखे, भड़के वीरेंद्र सहवाग, बोले दिवाली पर बैन क्यों। पाकिस्तान ने भारत को हराया तो शोएब अख्तर ने हरभजन सिंह को किया ट्रोल, वीडियो हुआ वायरल। हार्दिक होंगे प्लेइंग 11 से बाहर, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में फ्लॉप रहे हार्दिक, 31 अक्टूबर को होगा न्यूजीलैंड से मुकाबला। पाकिस्तानी बल्लेबाज को गले लगाकर कोहली ने मचाई सनसनी, इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। हार्दिक पांड्या को ले जाया गया अस्पताल, पाकिस्तान से हार के बाद बड़ी भारत की टेंशन। दिशा परमार ने राहुल वैद्य के बिना ही मनाया अपना पहला करवा चौथ, वीडियो कॉल पर पूरी की सारी रस्में। सूर्यवंशी के मेकर्स ने रिलीज किया एक और ब्रांड न्यू पोस्टर, फैंस के लिए लिखा खास संदेश। छत्तीस फार्म हाउस में गीतकार के रोल में नजर आएंगे सुभाष गई, ये फिल्म सुभाष की एक कहानी पर है आधारित। आर्यन खान ड्रग्स केस पर अनन्या पांडे से फिर होगी पूछताछ, एनसीबी ने तीसरी बार भेजा एक्ट्रेस को समन। राजकुंद्रा के लिए शिल्पा शेट्टी ने रखा करवा चौथ का व्रत, लेकिन साथ नजर नहीं आए पतिदेव। ऑस्कर में भारतीय फिल्म की एंट्री, तमिल फिल्म कुंचंगल के 54वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई शराबी पिता और बेटे रिश्ते की आधारित ये फिल्म। साउथ एक्टर वेंकटेश की फिल्म F3 की रिलीज डेट आई सामने, तमन्ना भाटिया संग करेंगे रोमांस। कंगना रनौत ने शेयर की करवा चौथ की अपनी बचपन की यादें, मजाक उड़ाने वालों को दी नसीहत। आलिया ने खूब मस्ती दिखा चुलबुला अवतार, आलिया गंगूबाई कठियावाड़ा में आएंगी नजर। कंजूस मक्की चूस सुपरहिट गुजराती नाटक पर बेस, फिल्म कंजूस मक्की चूस की शूटिंग ऋषिकेश और लखनऊ के खूबसूरत लोकेशन पर की गई। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।